Today we will discuss about thyroxine and steroidogenesis. ठीक है, so the first one is thyroid hormone synthesis. अच्छा, thyroid hormone synthesis में three important enzymes जो हमारे साथ हैं, एक है peroxidase, एक है deiodinase और यहाँ पे एक enzyme है जो हमने लिखानी है, वो है proteinase. ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखें कि TTD, ये भी याद रखें कि जो पहला पी है ये थ्री स्टेप कैरी आउट करेगा, नेक्स्ट पी वन स्टेप और डी जो है ये टू स्टेप कैरी आउट करेगा. एक जनरल ओवरव्यू देते हैं कि हमें पता है कि जितने भी हमारे साथ को ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो गट में हो, चाहे वो निफ्रॉन में हो, चाहे वो इस फॉलिकुलर सेल में हो, ठीक है, तो वो देट इज मीडिएटेड थ्रू सोडियम. तो सोडियम अपने साथ अंदर आयोडीन लेके आता है नेगेटिवली चार्ज, दैट नेगेटिवली चार्ज आयोडीन इज कम्बाइंड विद अनदर आयोडीन टू फॉर्म I2. ठीक है, और ये I2 जो है फिर इसकी ऑर्गेनिफिकेशन होती है एंड दैट इज कम्बाइंड विद द थायरोग्लोबुलिन और इसका फिर इसके साथ ये कम्प्लेक्स बनाता है और नेक्स्ट जो है इसकी वो होती है कपलिंग होती है और कपलिंग की वजह से हमारे साथ T3 एंड T4 बनते हैं. ये फिर एंडोसाइटोसिस की जरिए सेल में अंदर जाते हैं, सेल में अंदर ये अनयूज्ड आयोडीन डीआयोडीनेस के जरिए रिमूव होते हैं, ये प्रोटीन जो है प्रोटीनेस के जरिए रिमूव हो जाता है और T3 एंड T4 आर थ्रोन इनटू द सर्कुलेशन. इन द सर्कुलेशन स्पेसिफिकली इन द पेरिफेरी द T4 इज कन्वर्टेड इनटू T3 बाय डीआयोडीनेस. सो नाउ लेट्स डिस्कस इन अ लिटिल डिटेल विद अ डिफरेंट कलर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्या होता है कि को ट्रांसपोर्ट्स के जरिए आयोडीन जो है विद इन द सेल आ जाता है एंड दिस आयोडीन through oxidation process is converted into iodinium, that is I2. ठीक है, तो peroxidase जो है इसका एक काम हो गया, तो इसको हम दो कर लेंगे because one step is carried out. The next step is this peroxidase attaches I2 to thyroglobulin. ठीक है, form monoiodotyrosine or diiodotyrosine. So you can see के यहाँ attachment हो जाती है इसके with TG and that becomes monoiodotyrosine or diiodotyrosine and this process is called organification. The next process is called coupling और ये भी peroxidase करता है, तो ये step carry out किया तो two वाला भी खत्म हो गया और third step पे आ जाते हैं तो वो भी हो जाता है और उसमें क्या होता है कि this MIT combines with DIT coupling होता है तो become T3 और अगर two MIT और one DIT मिल जाते हैं तो T4 बना लेते हैं. तो द फाइनल फॉर्म हमारा थायरोग्लोबुलिन का क्या आ जाता है कि एक साइड पे अनयूज्ड MIT और DIT है और दूसरे साइड पे न्यूली फॉर्म T3 एंड T4 है. दिस होल कॉम्प्लेक्स इज एंडोसाइटोस्ड इनटू द सेल और सेल में अब हम देख सकते हैं कि हमारे साथ ये अनयूज्ड MIT एंड DIT है, ये प्रोटीन है और ये T3 एंड T4 है एंड दिस T3 एंड T4 शुड बी थ्रोन इनटू द सर्कुलेशन. अब ये तो हमें सर्कुलेशन में नहीं चाहिए, तो अनयूज्ड आयोडीन इज थ्रू आयोडीनेज रिमूव करके रिसाइकल हो जाता है. ये टायरोसिन या थायरोग्लोबुलिन जो है ये भी टू प्रोटीन है, तो प्रोटीएज के जरिए रिमूव करके रीयूज हो जाता है और जो T3 एंड T4 बच जाते हैं दीज आर थ्रोन इनटू द सर्कुलेशन एंड इन द पेरिफेरी द T4 इज कन्वर्टेड इनटू T3 थ्रू डीआयोडीनेज. तो देखिए यहाँ पे प्रोटीएज का भी काम हो गया, ये आयोडीनेज का एक काम, तो एक काम हो गया तो उसे वन हो जाता है और पेरिफेरी में जो यूज होता है तो आयोडीनेस का दूसरा काम भी हो गया. तो इफ यू रिमेंबर PPAT, सो द होल प्रोसेस बिकम्स इजीियर फॉर यू पीपल. अच्छा, थोड़ा सा क्लिनिकल डिस्कस कर लेते हैं इनका. तो ये जो स्टेप्स हैं, ये ऑक्सीडेशन, कपलिंग और ऑर्गेनिफिकेशन, तो हमारे साथ जो टू इंपॉर्टेंट ड्रग्स है PTU एंड मेथिमेसोल, और याद रखें कि PTU प्रेगनेंसी में सेफ है, तो ये इन एंजाइम्स को यहाँ पे इनहिबिट करता है एंड दैट इज व्हाई इट स्टॉप द थायराइड हार्मोन साइंथिसिस. अच्छा, ये डी आयोडीनेस जो है इसको भी PTU जो है वो इनहिबिट करती है एंड स्टॉप्स द साइंथिसिस ऑफ द हार्मोन. अच्छा, ये याद रखें कि ये जो PTU है फेरिपरिल कन्वर्जन, अदर ड्रग्स लाइक बीटा ब्लॉकर जो है, ठीक है, प्रेडनिसोलोन और सिंपली वी कैन कॉल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये भी इस पेरिफेरल कन्वर्जन को इनहिबिट करती है. सो आप लोगों को याद होगा कि इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड स्टॉर्म हम बीटा ब्लॉकर्स भी यूज करते हैं, प्रेडनिसोलोन भी यूज करते हैं एंड प्रोपायथायुरेसिल और PTU भी यूज करते हैं. सो नाउ लेट्स कम टू द एक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन. लेट्स डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ
टोटल एंड एक्टिव थायराइड हार्मोन। तो ये याद रखें कि थायराइड हार्मोन जो है इसको हम हार्मोन लिख देंगे, इज इन टू फॉर्म, या तो ये फ्री या एक्टिव फॉर्म में होगा और या बाउंड फॉर्म में होगा, बाइंड टू टीबीजी और थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन। सो इन नटशेल वी हैव टोटल दैट इज बाउंड एंड फ्री, जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड कैल्शियम। अच्छा, फ्री जो है ये हमारे साथ एक्टिव फॉर्म है, तो जितनी भी बॉडी में चेंजेस लेके आएगा वो मेनली फ्री हार्मोन ही लेके आएगा, ठीक है। तो याद रखें कि फ्री हार्मोन इज कांस्टेंट इन कंडीशन लाइक लीवर फेलियर, जिसमें हमारे साथ प्रोटीन साइंथेसिस कम होती है, और प्रोटीन साइंथेसिस कम होगी तो टीबीजी प्रोटीन है ये भी कम होगा, ठीक है। तो हमारे साथ टीबीजी कम हो गया तो टोटल प्रोटीन डेफिनेटली कम होगा, लेकिन फ्री हार्मोन जो है वो हमारे साथ स्टिल कांस्टेंट है। दैट इज व्हाई द पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम रिमेंस यूथराइड, बट देयर इज डिक्रीज इन द टोटल हार्मोन। अच्छा, इन द सिमिलर वे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इन द पेशेंट हु आर टेकिंग ओसीपीज, देयर इज इंक्रीज इन द टोटल हार्मोन, बट वंस अगेन द पर्सन इज नॉर्मल, दैट इज बिकॉज द फ्री हार्मोन इज इन नॉर्मल वैल्यूज। नाउ लेट्स कम टू द इफेक्ट्स ऑफ थायराइड हार्मोन। ओके, सो लेट्स कम टू द इफेक्ट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ थायराइड हार्मोन एक्शंस। तो हमें पता है कि इट इंक्रीजेज द बेसिक मेटाबॉलिक रेट्स, ठीक है, एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन। लेकिन याद रखें कि तीन जगह ऐसी हैं जहां पे ये ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा नहीं करती, द वन इज द ब्रेन, द अदर वन इज स्लीप स्प्लीन, एंड द थर्ड वन इज गोनेड, ठीक है। तो जीबीएस जो है इसमें ज्यादा नहीं करते, गोनेड ब्रेन एंड स्प्लीन में ये ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा नहीं करता। मैकेनिज्म क्या ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा करने की, कि ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो है इसकी एक्टिविटी ज्यादा करता है, और इसकी एक्टिविटी जब ज्यादा करता है तो इट कंज्यूम्स मोर एनर्जी एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और ये भी याद रखें कि जब ये मोर ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा इट मीन्स के मोर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, इसलिए ये इंक्रीज रिस्पायरेशन भी कास करेगा, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्रीज सीवीएस एक्टिविटी एंड हार्ट रेट, और वो क्यों, बिकॉज इट वर्क इन कंजंक्शन विद द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और उसके कंजंक्शन में कैसे काम करता है कि थायराइड हार्मोन इंक्रीजेस बीटा वन रिसेप्टर्स ऑन द हार्ट, और हमें पता है कि बीटा वन इज स्टिमुलेटरी, ठीक है। तो क्या होता है कि जब बीटा वन रिसेप्टर हार्ट पे ज्यादा हो जाते हैं, सो देयर इज इंक्रीज रिस्पॉन्स टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड दैट इज वाई द सीवीएस एक्टिविटी ओवरऑल इज इंक्रीज, एंड देयर इज इंक्रीज रिस्पायरेशन। सो वी हैव डिस्कस्ड दैट in response to the more oxygen consumption and more carbon dioxide production, the overall respiration is increased. Now the catabolic effects of thyroid, so it increases the degradations of protein, ठीक है, that protein जब degrade हो जाता है, so that causes wasting, ठीक है, it also even affects the lipid causing lipolysis and even cholesterol, so it doesn't even spare cholesterol level in hyperparathyroidism, ठीक है। तो क्या है कि प्रोटीन डिग्रेडेशन, लाइपोलाइसिस एंड इवन कोलेस्ट्रॉल, ये दो इंपॉर्टेंट बातें ये आप लोगों ने याद ही रखनी है। एक ये कि प्रीनेटली इट मींस ड्यूरिंग इंट्रायूटराइन लाइफ थायराइड हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीएनएस फॉर्मेशन। तो जितने भी हाइपोथायराइड बच्चे होंगे देर विल सफर सिवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इफ दे आर नॉट ट्रीटेड विद थायराइड हार्मोन इन टाइम। और दूसरा ये कि इट वर्क्स एनर्जेटिकली विद ग्रोथ हार्मोन एंड रेगुलेट्स द बॉडी ग्रोथ एंड बोन ग्रोथ। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखे। अच्छा, दूसरा एक फिनोमेना है जिसको हम वॉल्व चीकोफ फिनोमेना कहते हैं, और इसमें यह है कि अगर आप सडन आयोडीन ज्यादा करो तो जो आयोडिनेशन प्रोसेस का जो कन्वर्जन है टू आई टू वो टेम्परेली ब्लॉक हो जाती है, एंड सो द ऑनवर्ड प्रोसेस एंड देयर इज ट्रांजियंट डिक्रीज इन थायराइड हार्मोन, ठीक है। और इस फिनोमेना को वॉल्फ चीकोफ इफेक्ट कहते हैं। सीआरएच, एसीटीएच एंड एड्रिनल एक्सिस, ठीक है। तो हमें पता है कि हाइपोथैलेमस से सीआरएच रिलीज होता है, और सीआरएच के एक्शन के बारे में आप लोगों को याद होगा कि ये थ्रू साइक्लिक एएमपी एक्ट करता है, और बाकी जितने भी हाइपोथैलेमिक हार्मोन थे देवर एक्टिंग थ्रू आईपी3 एंड डीएजी मैकेनिज्म। सो इट एक्ट्स ऑन द पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी एसीटीएच रिलीज करता है, और हमने कहा था कि एसीटीएच मेनली एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा, और एड्रिनल ग्लैंड में स्पेसिफिकली ये जो कॉर्टिसोल है और स्टेरॉइड्स है उनको ज्यादा करेगा, और ये जो अल्डोस्टिरोन है इट इज मेनली अंडर द इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन अल्डोस्टिरोन एक्सिस, ठीक है, एंजियोटेंसिन। अच्छा, तो इसको हम फॉर टाइम भी इग्नोर कर लेते हैं। तो हमने कहा था कि ये हमारे साथ
इसके लेयर्स हम थ्रू GFR याद करते हैं, ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलरिस, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। तो ग्लोमेरुलोसा इग्नोर बिकॉज दैट इज विद एंजियो टेंसिन, फेसिकुलेटा जो है याद रखे कि ये यहाँ से कार्टिसोल रिलीज होगा और रेटिकुलरिस से सेक्स स्टेरॉइड्स रिलीज होंगे। ठीक है, ये कार्टिसोल जो इन रिस्पॉन्स रिलीज होता है तो इट इज ऑल्सो ए नेगेटिव फीडबैकर। तो ये नेगेटिव फीडबैक दोनों जगह करता है, ऊपर हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देता है टू स्टॉप CRH एंड ऑल्सो प्रोवाइड नेगेटिव फीडबैक टू पिट्यूटरी टू स्टॉप ACTH सिक्रीशन। सो दिस इज ए लिटिल बिट अबाउट CRH, ACTH एंड एड्रिनल एक्सिस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द साइंथेसिस ऑफ एड्रिनल हार्मोन। अभी हम सिर्फ एड्रिनल हार्मोन की साइंथेसिस पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में जाके हम फिर इसकी इंशाल्लाह डिटेलिंग पढ़ेंगे। अच्छा, तो क्या होता है कि जो हमारे साथ बदनाम जमाना कोलेस्ट्रॉल है, लेट मी मेक द कलर रेड, कोलेस्ट्रॉल पे यहाँ पे एक एंजाइम एक्ट करता है जिसको हम डिस्मोलेस कहते हैं। ठीक है, सॉरी मैंने नहीं लिखा। तो डिस्मोलेस जो है दैट कन्वर्ट्स कोलेस्ट्रॉल इंटू प्रेगनिनोलोन। ये प्रेगनिनोलोन जो है इसके हमारे साथ अभी दो रास्ते हैं, या इस पे एक एंजाइम थ्री बीटा हाइड्रोक्सी स्टीराइड डिहाइड्रोजिनेस, या जिसको हम सिंपल थ्री बीटा भी कहते हैं, थ्री बीटा ऐड करके इसको या प्रोजेस्टिरोन बनाएगा या इसको 17 हाइड्रोक्सीलेज जो है इस पे ऐड करके बनाएगा इससे 17 हाइड्रोक्सी प्रेगनिनोलोन। ठीक है, तो प्रेगनिनोलोन हैव टू वेज, इधर 17 हाइड्रोक्सी इस पे ऐड करके 17 हाइड्रोक्सी प्रेगनिनोलोन बनाए इसका, या इस पे थ्री बीटा एक्ट करके इसको प्रोजेस्टेरोन बनाए। ठीक है, सिमिलरली ये थ्री बीटा जो है ये वर्टिकल सारे ये ही करेगा, तो इस पे भी थ्री बीटा एक्ट करके इससे 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन बनाएगा फ्रॉम प्रेगनेनोलोन, और सिमिलर वे यहाँ पे भी थ्री बीटा ही एक्ट करेगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव दिस वर्टिकल पाथ। इसमें क्या होता है कि प्रेगनेनोलोन जो है इस प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर प्रोजेस्टेरोन पे एक एंजाइम एक्शन कर लेता है जिसको हम 21 हाइड्रोक्सीलेज कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसको आप लोगों को नहीं भूलना है, और ये इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू ए वीक मिनरलोकॉर्टिकाइड। वीक मिनरलोकॉर्टिकाइड का मतलब ये है कि इस मॉलिक्यूल की मिनरलोकॉर्टिकाइड एक्टिविटी होगी या अल्डोस्टिरोन जैसी एक्टिविटी होगी, लेकिन बहुत कम होगी उसके ओरिजिनल अल्डोस्टिरोन के मुकाबले में। ठीक है, फिर इस पे एक एंजाइम 11 हाइड्रोक्सीलेज एक्ट करके इसको अल्डोस्टिरोन बनाएगा, और आगे हम जाके अल्डोस्टिरोन का एक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, सो कोलेस्ट्रॉल, प्रेगनेनोलोन, प्रेगनेनोलोन पे 3 बीटा एक्ट करके प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन पे देखो ऊपर 21, तो 21 ऊपर होगा, 11 छोटा है तो 11 नीचे होगा, तो 21 एक्ट करके इसको वीक मिनरलोकॉर्टिकाइड बना देता है और 11 हाइड्रोक्सिलेज इस पे एक्ट करके एल्डोस्टेरोन बना देता है। नाउ लेट्स कम टू कॉर्टिसोल पाथवे। ये प्रोजेस्टेरोन जो है इस पे 17 हाइड्रोक्सिलेज एक्ट करके इसको 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन बना लेता है, या दूसरा पाथवे 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के बनने का ये है के 17 हाइड्रोक्सी प्रेगनेनोलोन पे 3 बीटा एक्ट करके इसको बना देता है 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। वंस अगेन इस पे 21 हाइड्रोक्सीलेज जिस तरह उधर एक्ट करता था वो एक्ट करके इसको बना देता है इंटरमीडिएट टू कॉर्टिसोल। नाम में इसलिए नहीं निकला कि ताकि आप लोग ओवर बर्डन ना हो जाओ अननेसेसरी नेम से। ठीक है, तो इसकी जो है कॉर्टिसोल की एक्टिविटी नहीं है, लेकिन उसका जो इंटरमीडिएट था एल्डोस्टेरोन का, उसकी मिनरलोकॉर्टिकाइड एक्टिविटी थी, और इस पे फिर 11 हाइड्रोक्सिलेज एक्ट करके इसको बना देगा कॉर्टिसोल। तो वंस अगेन 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, 21 उस पे एक्ट करके इंटरमीडिएट बनाएगा, फिर 11 उस पे एक्ट करके कॉर्टिसोल बना देगा। नाउ लेट्स कम टू द पाथवे अहेड। अभी क्या होगा, ये जो 17 हाइड्रोक्सी प्रेगनेनोलोन है या 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है, इन दोनों पे एक एंजाइम 17:20 लाइज जो है ये एक्ट करके इसको बनाएगा डाइहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन। ठीक है, तो इसको सिंपली आप DHEA भी लिख सकते हो। अच्छा, ये फिर DHEA जो है इसको 3 बीटा कन्वर्ट करेगा एंडोस्टेरिन डायोन में, और ये एंडोस्टेरिन डायोन जो है इट इज देन कन्वर्टेड इनटू टेस्टोस्टेरोन। सही। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन जो है इस पे 5 अल्फा रिडक्टेज एक्ट करेगा, इसे एंड्रोजन बनाएगा, और एंड्रोजन पे एरोमेटेज एक्ट करके इसको बनाएगा एस्ट्रा डायोल। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस पाथवे, और इंशाल्लाह आगे जाके फिर इस पाथवे को हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।